हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र, आपको सीकर एकेडमी स्कूल रावसर से हमारे यूट्यूब चैनल बच्चों आप सभी का स्वागत है। और क्लास 12th की आज जो वीडियो है उसमें हम क्वेश्चन किस पे करेंगे, इनवर्स सर्कुलर सिस्टम पे। ओके, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन अपना उस पे क्या करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा चैप्टर है और समझने वाला चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब तक आपने साइन थीटा कोस थीटा रीड किया, बट साइन इनवर्स कोस इनवर्स के फॉर्मूले कैसे बनते हैं और उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं उस पर डिस्कस करते हैं, और एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके गाइस, समझते हैं क्वेश्चन। और ये भी ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा चैप्टर है। ओके, इस पर डिस्कस करते हैं, सभी क्वेश्चन को लेके चलते हैं। फॉर्मूले मैंने कौन कौन से नोट करा दिए, साइन के जितने भी फॉर्मूले थे गाइस हमने अच्छे से कर लिए हैं, कोस के फॉर्मूले थे वो भी अच्छे से रीड कर लिए हैं। अब क्या रहेगा, 3 नंबर पे tan इनवर्स। ओके, जैसे आपको tan a plus b नोट कराएं तो इसका क्या फॉर्मूला बनता है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अपनी 11th क्लास में रीड करके tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस tan a डॉट tan b, ये फॉर्मूला था। tan a plus b का फॉर्मूला क्या है, tan a plus tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। अब इसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, इनवर्स में। कंसेप्ट वही है लास्ट वीडियो में तो मैंने समझाया था, लेट tan a इक्वल टू x, tan a इक्वल टू x, देन a इक्वल टू इस तरह से पावर किस में आ जाएगी आपको, इस सर इनवर्स में। तो tan a की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स x, क्या रीड करोगे, a इक्वल टू tan इनवर्स x। ओके बच्चों, क्लियर है। tan b भी अपने पास था तो इसको भी लेट कर लेते हैं, एंड कॉमा यहां पे नोट कर दिया मैंने, tan b इक्वल टू y, देन b इक्वल टू tan इनवर्स y, देन b इक्वल टू tan इनवर्स y, यानी पावर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। पावर पे कौन सा चार्ज आ गया आपका, नेगेटिव। ओके, tan इनवर्स क्या आ गया आपके पास, y। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है सभी को, a के इक्वल में ये रखना है, b के इक्वल में ये रखना है। सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फॉर्मूला यहां पे क्या बनेगा, देखो tan a plus b इक्वल टू tan a, tan a इक्वल टू x, tan a इक्वल टू x एंड tan b इक्वल टू y, 1 माइनस tan a tan b, तो a इक्वल में x है एंड b इक्वल टू y, x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x y, tan इस तरफ जाके इस tan को लेके जा रहा हूं, इस साइड में पुट कर रहा हूं, तो tan की वैल्यू किस में आ जाएगी आपको, सर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, a प्लस b इक्वल टू tan इनवर्स, क्या गाइस ये tan इनवर्स। और यहां पे क्या नोट कर देंगे, x प्लस में y अपॉन में 1 माइनस x y। बोलो स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम, a एंड b की वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि आपको टोटल फंक्शन x और y में कन्वर्ट करना है। आपको a इक्वल टू क्या मेरे पास, आपको भी सर tan इनवर्स x प्लस b की वैल्यू क्या आप नोट कर दोगे, tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x y। बोलो स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम किसी बच्चों को यहां पे, तो tan एक फार्मूला बन गया न्यू, tan वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको क्या रीड करेंगे, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x y। डन है बच्चों, कर लोगे सभी, यहां पे माइनस आ जाए तो कैसा बनेगा, ठीक है, माइनस वाला सेम, यहां पे माइनस आ गया तो यहां पे प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ओके, एक्चुअली यहां पे क्या आ जाएगा, जब माइनस कैसे, जैसे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला बनाएं, ठीक है ना, इसी को आगे मैं नोट कर रहा हूं, इस बार माइनस का नोट करें, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसको क्या रीड करेंगे, tan इनवर्स x पर यहां पे माइनस तो यहां पे भी माइनस, x माइनस y अपॉन में 1 प्लस x y, सेम का सेम ही फार्मूला है, समझ गए बच्चों, न्यू फॉर्मूला बन गया आपका, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसको क्या रीड करोगे, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस x y, tan के फॉर्मूले है इसमें में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या फॉर्मूला आता है गाइस अपना, तो tan इनवर्स x प्लस में y अपॉन में 1 माइनस x y, एंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस में y अपॉन में 1 प्लस x y, tan के बहुत सारे फॉर्मूले आपको रीड हो जाएंगे अच्छे से, किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो यहां से ले सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो tan के फॉर्मूले, जैसे tan 2x का फॉर्मूला, tan 3x का फॉर्मूला, वो सभी डिस्कस कर लेते हैं। ओके,
एक आपके पास थ्री थीटा आ जाए, एक्स वाई जेड आ जाए, उसको कैसे सोल्व करते हैं? आप देखो एक फॉर्मूला आपको समझाता हूँ, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और मोस्ट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ओके उस पर डिस्कस करते हैं। देखो तो एक फॉर्मूला गाइस आपका, क्या फॉर्मूला? जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई प्लस में टेन इनवर्स जेड, tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y plus tan इनवर्स z, इसको क्या नोट कर देंगे? tan इनवर्स x plus में y plus में z minus x y z all divided by 1 minus x y minus y z minus का z। देखिए ये फॉर्मूला आता है जब tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y plus tan इनवर्स z का फॉर्मूला, ओके टू वाई को कंप्लीट कर लिए, tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y, आपके पास इनोकल एंगल आ गया tan इनवर्स z, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y + tan इनवर्स z, इसको क्या नोट करेंगे? tan इनवर्स x + y + में z माइनस का x y z अपॉन में 1 माइनस x y माइनस y z एंड माइनस का ही z x। अब ये फार्मूला बना कैसे? इंपोर्टेंट वो है, तो फार्मूला सॉल्व करते हैं आप इसको लेके चले, ओके अब वो बनाते हैं आंसर। देखो सॉल्व कर रहा हूं मैं, फॉर्मूला क्या है? टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई प्लस में टेन इनवर्स जेड, ओके एक फॉर्मूला मैंने समझाया था टेन इनवर्स एक्स प्लस में अभी इसी में, ठीक है ना? क्या फॉर्मूला था? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसको हमने सॉल्व करके क्या नोट कर दिया था? टेन इनवर्स x प्लस में y अपॉन में 1 माइनस x y। बोलो बच्चों अभी समझाया था मैंने कहां से आया फॉर्मूला? ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखो बच्चों आप वापस tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z, ये फॉर्मूला था। अब इन दोनों में फॉर्मूला लगा रहा हूं, इनको सॉल्व करके क्या फॉर्मूला लगा रहा हूं? tan इनवर्स x प्लस में y 1 माइनस एक्स वाई, यही फॉर्मूला और प्लस का टेन इनवर्स जेड कंटिन्यू चली रहा है। डन सही बच्चों, खेलो आराम से। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई प्लस में क्या है? टेन इनवर्स जेड। अब देखो ये टेन ए ये टेन बी, तो वापस फॉर्मूला बन रहा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब इस टोटल को एक्स मान लो या थीटा मान लो कुछ भी मान लो, टेन इनवर्स थीटा एंड प्लस में टेन इनवर्स जेड, इसमें वापस फॉर्मूला लगाएं क्या? tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फार्मूला, ये टोटल x है ये y, ओके तो इन दोनों को सॉल्व करें टर्म को तो क्या बनेगा? tan इनवर्स x + y, तो ये टोटल x है, तो क्या नोट करूं इसको मैं? x + में y अपॉन में 1 माइनस x वाई, फर्स्ट एंगल आ गया प्लस का साइन लगाओ, ये रहा प्लस का साइन, सेकंड एंगल, सेकंड एंगल z है अपॉन में, ओके इस टोटल को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, टोटल को क्या लेते हैं z में, फिर क्या आता है 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स कितना अपना x प्लस में y अपॉन में x y, और b कितना गया आपको वही सब z में, ये फॉर्मूला देखो tan इनवर्स में, पहले तो इन दोनों में फॉर्मूला लगाया मैंने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस में y अपॉन 1 माइनस x y प्लस में tan z, tan इनवर्स z चल रहा है कंटिन्यू। अब इसमें वापस फॉर्मूला अप्लाई करो tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का tan इनवर्स x + में y 1 माइनस x y, इसके आगे आपकी मैथमेटिकल देखो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पता है एलसीएम लिया जाएगा इस कंडीशन पे, तो tan इनवर्स एलसीएम क्या नोट करेंगे? 1 माइनस x y, एलसीएम को क्या नोट कर देंगे? 1 माइनस x y, यही इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बन जाएगा? x + y, यहां पे क्या नोट कर देंगे? x + y, बिटवीन साइन किसका है? प्लस का, और जेड का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 1 माइनस एक्स वाई से, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा गाइस? ये इससे साथ मल्टीप्लाई हो गया जेड के साथ, ओके सेम कंसेप्ट, डिवाइड में कर दो, डिवाइड में क्या नोट कर देना आपको? एलसीएम, डिवाइड में एलसीएम देखो क्या बनेगा, ये आएगा 1 माइनस एक्स वाई, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो 1 माइनस एक्स वाई, ओके 1 माइनस एक्स वाई का 1 के साथ करो, यहां पे क्या नोट कर दूंगा? 1 माइनस x y। अब इंपॉर्टेंट है आप समझना, आउटसाइड में माइनस चल रहा है, z से भी मल्टीप्लाई करना, आउटसाइड में माइनस है और z के भी क्या करना है? मल्टीप्लाई, देखो z x का मल्टीप्लाई करें तो माइनस का z x नोट कर देंगे, माइनस का z x,
यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस का वाई जेड क्या आ जाएगा गाइस आपका माइनस का वाई जेड, इससे ये कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दिए। अब सोल्व करके देखते हैं क्या रहेगा रिमेनिंग, टेन इनवर्स क्या गाइस टेन इनवर्स, टेन इनवर्स सोल्व करें इसको तो एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, जेड का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस का एक्स वाई जेड होल डिवाइड बाई वन माइनस एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस का जेड एक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके तो क्या कौन सा फॉर्मूला है ये, टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई प्लस में टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, क्या नोट कर सकते हैं गाइस इसको, टेन इनवर्स एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड माइनस में एक्स वाई जेड माइनस में एक्स वाई जेड अपॉन में वन माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये क्या बन गया आपका सेकेंड फॉर्मूला, टेन का सेकेंड फॉर्मूला कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड को क्या नोट करते हुए, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई जेड अपॉन सॉरी माइनस में एक्स वाई जेड अपॉन में वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। भाई हो समझ में आ गया, बस बच्चों को जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। ओके तो नेक्स्ट फॉर्मूला पे डिस्कस करें, अब देखो इसका नेक्स्ट फॉर्मूला यानी थर्ड नंबर फॉर्मूला, टेन की बात कर रहा हूँ मैं, टेन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, एनी वन कोई मुझे बता सकता है, टेन टू ए का फॉर्मूला आता है टू टेन ए टू टेन ए अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वेयर। ओके टू टेन ए अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वेयर, इसको इनवर्स में बनाने के कैसे बनाते हैं कंसेप्ट वही है, लेट करते हैं, लेट टेन ए इक्वल टू एक्स है, टेन ए की वैल्यू क्या है एक्स है, देन ए इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, देन ए इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ओके बच्चों फॉर्मूला आपके सामने सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, टेन टू ए टेन है टू ए टू टेन ए देन टेन ए सॉरी टू टेन ए, टेन ए की वैल्यू क्या एक्स है टू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके कहां से है, बिकॉज टेन ए इक्वल टू एक्स देन टू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर, किसकी वैल्यू चाहिए टेन इनवर्स लेके आना आपको, तो इस टेन को इस साइड में लेके जाओ तो टू ए की वैल्यू क्या नोट करूं हमें, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन में टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों ए की वैल्यू पुट करूं देन ए इक्वल टू टेन इनवर्स टू टेन इनवर्स एक्स है टू टेन इनवर्स एक्स को क्या नोट करूं मैं, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया आपका फॉर्मूला। टेन टू टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या नोट करेंगे, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला मिलेगा वहां पे आपको ये सॉल्व करना है, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो स्टूडेंट्स कहीं कोई प्रॉब्लम है इस फॉर्मूले में, कर लोगे टेन टू एक्स का फॉर्मूला, ये सभी को समझ में आ गया होगा फॉर्मूला क्या, रिपीट करता हूँ मैं, टेन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर, टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर, तो इसको क्या नोट करते हैं टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर, देन टेन ए को क्या नोट कर दो एक्स, टेन ए को क्या नोट करो एक्स, देन ए इक्वल टू क्या रिजल्ट आएगा आपको सर टेन इनवर्स एक्स, फॉर्मूले में जहाँ पे ए है वहाँ पे एक्स पुट करो तो टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू किसके इक्वल है आपको सर टू टेन ए, इस टेन को यहाँ पे रिप्लेस कर दो क्या बनेगा इनवर्स फॉर्म में आ जाएगा टू ए इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, वैल्यू किसकी चाहिए ए की, तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है आपको सर टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी इंपोर्टेंट फॉर्मूला हो गया, मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब आपको समझाऊँ कितने इंपोर्टेंट फॉर्मूले है। ओके तो वहां पे सोल्व नहीं करें डायरेक्ट आपको वहां पे फॉर्मूला नोट करोगे, मान लो कंडीशन में क्या आ गया टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला आपको फॉलो करना है तो डायरेक्ट ये वैल्यू नोट करोगे आप। ओके अब मैं इसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा आपको फॉर्मूला अच्छे समझ लो बाद में चैप्टर आपसे हो जाए ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीन या चार फॉर्मूले और रहेंगे उसके बाद आपका क्वेश्चन कराएंगे कंटिन्यू। ओके तो टेन टू एक्स का फॉर्मूला आपने रीड कर लिया तो एक फॉर्मूला और रीड कर लेते हैं, फोर नंबर फॉर्मूला क्या है टेन थ्री थीटा यानी टेन थ्री ए का फॉर्मूला, टेन थ्री ए का फॉर्मूला क्या होता है आपको सर थ्री टेन माइनस टेन क्यूब अपॉन में वन माइनस थ्री टेन
दोनों फॉर्मूले बन जाएंगे ओके।
आप लिखना चाहो तो लिख लो भाई, माइनस का फॉर्मूला भी देखो क्या था, मैं आप दो समझाना चाहता था। ये क्या कह रहा हूँ मैं कि एक्स बाई माइनस वन, तो ये रहा फॉर्मूला, एक्चुअली माइनस आता है जब क्या करेंगे कि कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स वाई का फॉर्मूला आपको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, कोट इनवर्स, कोट इनवर्स माइनस भी यहाँ पे माइनस भी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वाई, बाकी सेम नोट कर लेगा। बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम कर लो भाई, कोट वाले दोनों फॉर्मूले आपने रेड कर दिए, कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या बनता है, कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस का वन अपॉन में एक्स प्लस वाई। सेकेंड फॉर्मूला क्या है कि आपने कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स वाई माइनस आ जाएगा, फॉर्मूला चेंजिंग होगा कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वाई। बोलो बच्चों के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस बच्चों एक्सपीरियंस हो लेना बोले इस पर ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब देखो गाइस न्यू जो फॉर्मूले हैं वो कैसे हैं, देखो फॉर्मूला नंबर फाइव आपको जैसे प्रूफ दैट, एक चीज़ आपको प्रूफ करा रहा हूँ मैं, प्रूफ क्या करा रहा हूँ अच्छे से इस क्वेश्चन को भी, साइन इनवर्स एक्स और इसमें कोस इनवर्स एक्स और बहुत आपका सम हो क्या होता है पाई बाय टू यानी कि 90 डिग्री। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का सम हो कितना होता है पाई बाय टू ओके। एंड सेकेंड जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई, सॉरी टेन इनवर्स एंड कोट इनवर्स ओके, टेन इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, आपको सर पाई बाई टू किसके इक्वल होता है पाई बाई टू के इक्वल। थर्ड नंबर फॉर्मूला सेक इनवर्स एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स और ये भी किसके इक्वल होगा पाई बाई टू के इक्वल होता है। कैसे आप वो प्रूफ करें, कंसेप्ट तो वही इंपॉर्टेंट है, सोल्व करते हैं। अब सोल्व देखो कैसे करें, सोल्व करना है लेट वो करते हैं सेम, साइन ए इक्वल टू एक्स है देन ए ए इक्वल टू क्या बनेगा आपको सर साइन इनवर्स एक्स, ए की वैल्यू क्या बन जाएगी साइन इनवर्स एक्स, कंसेप्ट वही है ओके। अब इसको मैं वापस नोट कर रहा हूँ समझना अच्छे से, साइन ए इक्वल टू क्या आपका एक्स है, साइन ए की वैल्यू एक्स है। अब अपने टेंथ क्लास में रीड करेंगे साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन ए पाई बाई टू माइनस थीटा किसके इक्वल होगा आपको सर कोस थीटा प्लस, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ। इस साइन को मैं क्या नोट कर सकता हूँ कोस पाई बाई टू माइनस थीटा देन थीटा इक्वल टू ए, थीटा इक्वल टू क्या रह जाता है साइन ए को मैं क्या नोट कर सकता हूँ कोस पाई बाई टू माइनस थीटा, कोस पाई बाई टू माइनस थीटा के इक्वल में क्या है ए है, तो कोस पाई बाई टू माइनस ए किसके इक्वल होगा साइन ए के, और साइन ए किसके इक्वल होगा कोस पाई बाई टू माइनस ए। इस कोस को इस साइड में लेके जाओ क्या रिजल्ट आएगा देखो, पाई बाय टू माइनस का ए किसके इक्वल होगा आपको इसे कोस इनवर्स एक्स के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा कोस इनवर्स एक्स के। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास पाई बाय टू माइनस ए देन ए इक्वल टू क्या नोट करूंगा मैं साइन इनवर्स एक्स, ए के इक्वल में क्या है बच्चों आपका साइन इनवर्स एक्स और इक्वल में क्या चल रहा है आपको इसे कोस इनवर्स एक्स, माइनस साइन को साइड में लेके जाओ तो क्या रिजल्ट आएगा पाई बाय टू और साइन इनवर्स एक्स प्लस का बन जाएगा कोस इनवर्स, यहाँ पे पहले से प्लस का था आपने ओके, तो इसको ऑर्डर में लिखे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स और इन दोनों का सम ऑफ किसके इक्वल होगा आपको सर पाई बाय टू। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला इंपोर्टेंट है जो हमें चेंज करेंगे, साइन को चेंज करना है कोस में तो वहां पे डायरेक्ट नोट कर देंगे कि पाई बाय टू माइनस कोस इनवर्स एक्स, एक्स वही होगा जो यहाँ पे हो यहाँ पे हो जाएगा ओके। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का सम ऑफ क्या होगा पाई बाय टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स का सम ऑफ भी क्या होगा पाई बाय टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स का भी सम ऑफ क्या होगा आपको सर पाई बाय टू। सेम का सेम है, एक को चेंज कर सभी को चेंज कर लो, यहां पे टेन को कोट पाई बाय टू माइनस थीटा से हो जाएगा, सेक पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा होता है उससे हो जाएंगे और दोनों का सम ऑफ क्या होता है इंपॉर्टेंट है ओके बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का सम ऑफ क्या होगा पाई बाय टू, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का सम ऑफ क्या होगा पाई बाय टू एंड sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का सम ऑफ भी क्या होगा पाई बाय टू ओके। अब करते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे सभी करा दिए मैंने, अब इन पे क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। अब देखो गाइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ओके बच्चों, दो क्वेश्चन है मेरे पास प्रूफ द आप लोग ठीक है ना, ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं प्रूफ करने हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 tan इनवर्स 1 by 2 माइनस का tan इनवर्स 1 by 7 किसके इक्वल होना चाहिए 5 by 4 के। और जो मैंने फॉर्मूले समझाए तुम कहियो देखो कैसे होता है। क्वेश्चन क्या है सर अपना, फर्स्ट को सॉल्व कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करूंगा मैं, 2 tan इनवर्स 1 by 2 माइनस का tan इनवर्स 1 by 7 और इन दोनों का सॉल्व करने पे आंसर क्या लेके आना आपको 5 by 4। ओके और बहुत तो एक साथ है तो एक साथ में नोट कर सकते हो या 5 by 4 लेंगे तो 5 by 4 को जो केस हो देते हैं। तो प्रूफ करना है तो LHS लेके चल। ओके LHS को अगेन नोट करें, LHS क्या अपना 2 tan इनवर्स 1 by 2, 2 tan इनवर्स है 1 by 2 और माइनस का क्या है नोट कर दूंगा tan इनवर्स 1 by 7। यही था क्वेश्चन, tan इनवर्स माइनस का tan इनवर्स क्या आपका 1 by 7 है बच्चों। ओके अब देखो मैंने फॉर्मूला आपको नोट करा था, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट क्या नोट कराया था मैंने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला सॉल्व करें ना हमने अभी 2 tan इनवर्स का 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था भाई आपको कि सर tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर ये था फॉर्मूला। कंपेयर करो बच्चों इस ओनली फॉर इसमें अप्लाई करना हमें 2 tan इनवर्स को 1 tan यानी कि कोफिशिएंट क्या बना रहा 1 बना रहा तो यहां पे मुझे इसको यहां पे सॉल्व हो रहा है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो रहा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर अप्लाई करें इसको तो tan इनवर्स 2x x की वैल्यू क्या है 1 by 2 x क्या अपना 1 by 2 और 1 माइनस x स्क्वायर यानी कि 1 by 2 की होल ऑफ स्क्वायर। ओके ब्रैकेट क्लोज यहां पे क्या चल रहा है माइनस का tan इनवर्स 1 by 7 माइनस का tan इनवर्स 1 by 7 स्टेप बाय स्टेप करके 2 से 2 कैंसिल हो गए तो सॉल्व करने पे क्या अपने पास रिजल्ट बन के आएगा tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल रिमेनिंग 1 रह गया 1 माइनस 1 की स्क्वायर 1 और 2 की स्क्वायर 4 यानी 1 माइनस 1 बाई 4 और माइनस का क्या नोट कर देंगे tan इनवर्स 1 बाई 7 यही है। अब स्टेप बाय स्टेप डन करें इसको स्टेप बाय स्टेप डन करें तो देखो क्या सॉल्व होगा अपने पास 4 ऐसे में 4 माइनस 1 3 बाई 4 4 ऊपर चला गया क्या दिया था इसको सॉल्व करने पे tan इनवर्स 4 बाई 3 tan इनवर्स 4 बाई 3 और माइनस करी tan इनवर्स 1 बाई 7। ओके 4 माइनस 1 3 और ये 4 डिवाइड वाला कहां जगह मल्टीप्लाई में 4 बाई 3 यहां पे एक फॉर्मूला अगेन नोट हो रहा है सेकंड नंबर फॉर्मूला सॉल्व करें जैसे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस x y ये होता है फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस x y। स्टेप बाय स्टेप करें इसको डन तो tan इनवर्स x माइनस y यानी कि 4 बाय 3 माइनस का 1 बाय 7 डिवाइड बाय 1 प्लस 4 बाय 3 डॉट 1 बाय 7। ओके बच्चों कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके आगे जो मैथमेटिक है tan इनवर्स एलसीएम कितना होगा आपको सर 21 ये किस में से जाएगा 7 पे और 7 पे टोटल 4 तो लिख लो आपको सर 28 7 3 और 3 बन जा 3 यहां पे 3 नोट कर देंगे होल डिवाइड बाय एलसीएम कितना नोट करेंगे 21 21 बन जा 21 और प्लस का 4 बन जा 4 इससे ये कैंसिल हो गए। स्टेप बाय स्टेप देखो तो tan इनवर्स 28 माइनस 3 28 माइनस 3 किसके इक्वल होगा आपको इसे 25 के इक्वल और 21 प्लस 4 भी क्या होगा आपका 25 25 डिविजिबल है 1 नंबर पे और यहां पे tan इनवर्स 1 की वैल्यू tan इनवर्स 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी आपको इसे 5 बाय 4 बिकॉज़ tan पाई बाय 4 tan है पाई बाय 4 किसके इक्वल होता है आपको 1 के इक्वल tan 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1 तो tan को इस साइड में लेके जाओ तो पाई बाय 4 इक्वल टू क्या बनेगा tan इनवर्स। ओके कंफ्यूज मत होना tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है पाई बाय 4। ओके रेडियन क्वांटिटी करा था मैंने रेडियन और डिग्री वाली सेम कांसेप्ट पाई बाय 4 इसका क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा गाइस हमें यही क्या करना है प्रूव करना है tan 2 tan इनवर्स 1 बाय 2 माइनस tan इनवर्स 1 बाय 7 इसको सॉल्व करके दिखाना है पाई बाय 4 इसके इक्वल में क्या आना चाहिए पाई बाय 4 ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या फार्मूला फॉर्मूला आपको आ रहा है क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है
बहुत इजी क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर है ये, सीनियर क्लास का बहुत इजी चैप्टर है। ओके, तो 2 tan inverse x 1 by 2 है और माइनस का tan inverse 1 by 7 है, किसके इक्वल है? पाई बाय 4 के इक्वल। तो यहां से सॉल्व हो रहा है कि 2 tan inverse का पहले तो फार्मूला लगेगा, 2 tan inverse x का फार्मूला क्या होता है? tan inverse 2x / 1 minus x square। ओके, x की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 by 2। फार्मूले में पुट करें, ये फार्मूला नोट करा दिया, यहां पे वैल्यू पुट करा, 2 tan inverse x, x की वैल्यू क्या? 1 by 2, 1 minus x square, 1 minus x square की वैल्यू क्या? 1 by 2, 1 by 4, एलसीएम लेंगे तो 4, और ये बनेगा 3 by 4, ऊपर जाएगा क्या बनेगा? 4 by 3, minus का tan inverse 1 by 7 continue, और आपको सॉल्व हो रहा है कि यहां पे tan inverse x minus tan inverse y का फार्मूला डन हो रहा है यहां पे। कैसे? यहां पे बिटवीन माइनस है, बोथ ऑफ साइड क्या x है, ये वैल्यू अलग आ रही है, तो tan inverse x minus tan inverse y का फार्मूला tan inverse x minus y / 1 plus xy, x minus y 1 plus xy, सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? tan inverse 1 पर 1 क्या हो जाएगा? pi / 4। आई होप सभी बच्चों को आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओके स्टार मार्क कर दे इसको, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जैसे भी एग्जाम में आता है, ये वन ईयर छोड़िए, वन से वन ईयर में रिपीट होता रहता है। क्या क्वेश्चन है? इफ tan inverse x + tan inverse y की वैल्यू किसके इक्वल है? आपको कि सर पाई बाय 2 के इक्वल है, और प्रूफ क्या करना है? xy + yz + में zx की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉल्व करें इसको। गिवन में क्या नोट करा रखा है? पहले आपको गिवन में नोट करा रखा है tan inverse x प्लस में tan inverse y प्लस में tan inverse z, और इन तीनों का सम ऑफ किसके इक्वल है? आपको सर pi / 2 के इक्वल। किसके इक्वल है? अभी pi / 2 के इक्वल, ये है। और टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है आपको? xy प्लस yz प्लस में zx किसके इक्वल? आप ये देखो सर 1 के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करने दो गाइस, प्रूफ कराते हैं। यहां पे सो रहा आपका फार्मूला कि कौन सा लगेगा? tan inverse x प्लस tan inverse y प्लस में tan inverse z। अभी मैंने करा था ये फार्मूला, tan inverse x प्लस में tan inverse y प्लस में tan inverse z, कि क्या फार्मूला होता है आपको? कि tan inverse x प्लस y प्लस में z माइनस का x y z माइनस का x y z अपॉन में 1 माइनस x y माइनस का y z और माइनस का z x, ये फॉर्मूला। ओके, अब इसकी वैल्यू मुझे बताओ किसके इक्वल है? आपको सर पाई बाय 2, पुट कर दूं मैं डायरेक्ट, ये रहा बच्चों आपका पाई बाय 2 इक्वल टू tan इनवर्स, tan inverse है। ओके, tan inverse इसको सेम नोट कर देंगे, x प्लस में y प्लस में z माइनस x y z अपॉन में 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x। tan inverse इसको इस साइड में ले, क्या बन जाएगा? tan, tan inverse को इस साइड में पुट कर लेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस पावर में, यानी कि tan बन जाएगा, तो tan pi / 2, tan है pi / 2, और tan pi / 2 को सॉल्व करने पे यहां पे रिमेनिंग क्या रह जाएगा आपका? x प्लस y प्लस में z, x प्लस y प्लस में z माइनस का x y z अपॉन में 1 माइनस x y माइनस में y z माइनस का z x। tan pi / 2 किसके इक्वल होगा? आपको इसे इनफिनिटी, इनफिनिटी की वैल्यू किसके इक्वल होगी? x प्लस में y प्लस में z माइनस x y z होल डिवाइड बाय 1 माइनस x y माइनस y z माइनस का z x। बोलो स्टूडेंट्स, यहां पे कहीं किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? और इनफिनिटी को क्या ड्रॉ कर सकते हैं? एनीवन, इनफिनिटी को 1/0, जो सभी को पता ना इनफिनिटी क्या होता है? 1/0। ओके, बस यही कांसेप्ट आपको समझना इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में यही है, इसको मैं यहां से रख कर दे। ओके, इंपोर्टेंट क्या है कि इनफिनिटी को आपको 1/0 बनाने पड़ेगा, तो इनफिनिटी को ओपन करें तो ये बन जाएगा 1/0, और 1/0 किसके इक्वल होगा आपको भी सर? x प्लस में y प्लस में z माइनस में x y z अपॉन में x, ओके, अपॉन में 1 माइनस x y माइनस y z माइनस का z x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहां से क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसके इसके साथ में मल्टीप्लाई, इसके इसके साथ में,
तो वन का मल्टीप्लाई करूंगा क्या रिजल्ट आएगा, सेम का सेम रिजल्ट आएगा, वन माइनस एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस का जेड एक्स, और जीरो का मल्टीप्लाई करूंगा टोटल क्या बन जाएगा जीरो, कैसे जीरो डॉट लिख देता हूँ, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट जीरो लिख देना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई, ये टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया जीरो, तो रिमेनिंग क्या रहेगा वन माइनस एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस का जेड एक्स, किसके इक्वल है जीरो, तो माइनस के टर्म को वन ऑफ साइड करो प्लस के टर्म वन ऑफ साइड, तो वन इक्वल टू क्या आएगा माइनस का एक्स वाई इस तरह जाएगी प्लस एक्स वाई, माइनस का वाई जेड को इस तरह लेके प्लस का वाई जेड नोट करेंगे और माइनस जेड एक्स को प्लस का जेड एक्स नोट करेंगे, ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखें तो एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स किसके इक्वल है, अभी आपको सर वन के इक्वल है, ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ओके तो ये क्वेश्चन गाइस आपको आना चाहिए, सभी बच्चे दो से तीन बार करके देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जितने भी नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी चैप्टर से रिलेटेड वो सभी में क्वेश्चन करा जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एग्जाम्पल, ओके तो सभी बच्चे को कंटिन्यू स्टडी करनी है, जितना भी मैटर मिल रहा है हम तो ये कह रहे हैं कि आपको मैक्सिमम मैटर मिले कि आपकी जो स्टडी है ना वो डिस्टर्ब ना हो, ओके तो इस डिस्टर्ब ना होने की कंडीशन में आपको क्या करना होगा पढ़ाई करनी होगी, यानी कंटिन्यू स्टडी करनी होगी, जितना मैटर मिल रहा है नोट्स बना रहे तो भी अच्छा है और रफ नोटबुक में कंटिन्यू सोल्व कर रहे हो तो भी बेस्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके तो कंटिन्यू स्टडी करो बच्चों, आप कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही है, प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कोई आप नहीं पढ़ पा रहे हो या कहीं आपको और कोई प्रॉब्लम है जैसे पढ़ाई नहीं हो रही है इस जो लॉकडाउन के चक्कर में, तो आप संपर्क करो और पूछो कि सर कैसे स्टडी करें या बुक्स वगैरह कैसे सोल्व करें यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बुक जैसे एग्जाम में आ गई है परचेज करो तो आप मिल भी सकती है किसी बच्चों को, आप यदि आप लास्ट ईयर की भी ले रहे हो ना तो भी कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके क्योंकि बुकों में सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है, सेम का सेम ही है, स्टडी करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चन लेके लिए, तब तक टेक केयर, गुड बाय।